हेलो फ्रेंड, इंडियन कल्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पनीर कोफ्ता बनाने जा रही हूँ, जिसका सामग्री है पनीर 200 ग्राम, आलू 4 पीस उबला हुआ, उबाल कर मैंने छील ली है 4 पीस आलू, और उसके बाद ये जीरा और गोल मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला, तेजपत्ता और जीरा खड़ा, ये है काजू, बादाम, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और 2 हरा मिर्च, इसको मिक्सी में पीस लेना है। पहले मैं इसको मिक्सी में पीस लेंगे, ये मिक्सी जार है, इसमें मैं पीस लूँगी। टमाटर, 2 प्याज ली हूँ, 2 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियाँ और अदरक 1 इंच का टुकड़ा, सबको मिलाकर मिक्सी में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। उसे पनीर और आलू को दोनों को मिला लेंगे, पनीर और आलू दोनों को मिला लेंगे। पनीर और आलू को देखिए मैं अच्छे से मैश कर ली हूँ, उसके बाद इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच मैंने डाला है, आप स्वाद के अनुसार नमक डालिए। उसके बाद हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, सबको मिला लेंगे, सबको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके मैदा डालूंगी, देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए जब ये थोड़ा सा टाइट जैसा हो जाए, ऐसे आलू डालने से थोड़ा ढीला हो जाता है, तो मैदा मिला के हल्का इसको टाइट कर लूँगी। देखिए अच्छे से इसको मिला लेना है। मैंने पनीर और आलू, मैदा सबको अच्छे से मसाला मिला के सबको मिक्स कर ली। अब इसका गोला बनाऊंगी। गोला बनाने के लिए इसके बीच में मैं डालूंगी काजू, बादाम, इसको मैं दरदरा कूट लूंगी। दरदरा कूटने के बाद इसमें गोला के अंदर डालूंगी। देखिए इसको मैंने दरदरा कूट लिया है, अब इसको मैं निकाल लूंगी। अच्छे से इसको निकाल लूंगी, उसके बाद मैं राउंड शेप दूंगी पनीर का। पनीर को मैं गोल गोल बनाऊंगी, इस प्रकार से गोल गोल बना के इसके अंदर थोड़ा सा ये काजू और बादाम का चूर्ण भरूंगी, इस प्रकार से इसको बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद ऐसे गोला बना लूंगी, फिर दूसरा मैं बनाऊंगी। इसी प्रकार मैं सारा गोला गोल गोल राउंड राउंड करके बना लूंगी, इसमें थोड़ा सा अंदर भरूंगी और फिर मैं
इस प्रकार से भर के बना लूंगी। देखिए मैंने सारा गोला बना लिया है और अब तेल गरम करूंगी। तेल गरम करूंगी, जब तेल गरम हो जाएगा उसके बाद आंच को मीडियम करके गोल तलूंगी। देखिए मेरा तेल गरम हो गया है, अब आंच को मीडियम करूंगी। आंच को तेज करके मैं तेल गरम कर ली, आंच को मीडियम करूंगी और इसमें मैं कोफ्ता डालते जाऊंगी। इस प्रकार से मैंने सारा कोफ्ता डाल दी, जब थोड़ा सा लाल हो जाएगा तब मैं पलटूंगी। तुरंत इसको लाइट ब्राउन होने तक मैं दोनों तरफ से पलट कर इसको तल लूंगी। आंच को मीडियम रखूंगी और दोनों तरफ से पलट पलट के मैं तलूंगी। देखिए लाइट ब्राउन मैंने खूब अच्छा तल लिया है इसको, कितना बढ़िया तल गया। और बार बार इसको नहीं पलटना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए लाइट ब्राउन तब पलट जाना है। फिर इसको हल्के हाथ से निकाल लेना है, तेल को इस प्रकार से किनारे करके निकाल लेना है और प्लेट में इस प्रकार से लाइट ब्राउन, देखिए कितना सुंदर कलर आया है, इस प्रकार मैं निकाल लूंगी। सारे कोफ्ते मैंने इसी प्रकार तल लिया, देखिए सारे कोफ्ते को इसी प्रकार से मैं तल लूंगी। देखिए मैं रिफाइंड ऑयल में तल रही हूँ, रिफाइंड में स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इस प्रकार से मैं सारे कोफ्ते को तल लूंगी। देखिए मैंने सारा तल कर हल्का ब्राउन होने तक तल लिया, सारे कोफ्ते को निकाल लिया है। अब तेल को गरम की हूँ, 2 चम्मच इसमें तेल डाली हूँ, तेल को गरम कर ली। इसमें 2 तेज पत्ता डालूंगी तेल में और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालूंगी। सॉरी साबुत जीरा डालूंगी और 3 तेज पत्ता डालूंगी 2। जब ये लाल हो जाए हल्का ब्राउन तब इसमें मैं मसाला डालूंगी। देखिए लाइट ब्राउन हो गया है जीरा और 3 तेज पत्ता। इसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैं बनाई थी वो डालूंगी। इसको डालने के बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। जितना आप तीखा खाना चाहती हैं 1/2 चम्मच 1 चम्मच अपना हिसाब से डालिएगा अनुसार। उसके बाद जीरा पाउडर डालूंगी, जीरा और गोल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा और डाल दूंगी। सबको मिक्स कर लूंगी इस प्रकार से। फिर नमक डालूंगी, एक चम्मच मैं नमक डालूंगी, स्वाद के अनुसार नमक डालना है। सबको मैं चला के इस प्रकार मैं मिक्स करते जाऊंगी और जब तक तेल नहीं छोड़े तब तक इसको भूनना है, मसाला तेल छोड़ने लगेगा भूनने के बाद। और लास्ट में मैं गरम मसाला डालूंगी 1/2 चम्मच।
सबको इस प्रकार से भून लेना है। दो चम्मच धनिया पाउडर डालना है। और आंच को मीडियम रखना है। इस प्रकार इसको भूनते जाना है। देखिए मसाला लाल भुन गया है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, दो बॉल पानी डालूंगी। देखिए दो बॉल पानी डालूंगी, आंच को तेज करूंगी। जब पानी खोलने लगेगा, उबलने लगेगा, पानी में जब उबाल आएगा तब मैं कोफ्ता डालूंगी इसमें। इसको अच्छे से उबलने दूंगी। देखिए मसाला में उबाल आ गया है। इसको उबाल कर उसके बाद मैं कोफ्ता डालूंगी। कोफ्ता मैंने दो तरह से बनाया है, दो तरह से आकार दी हूँ, एक लंबा शेप एक गोल। आपको जैसा मन होगा वैसा शेप दे सकती हैं। इस प्रकार से मैं सारे कोफ्ते डाल दूंगी। ज़्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ दो मिनट इसको उबालना है। इस प्रकार मैं सारे कोफ्ते डाल दूंगी और मैं ढक दूंगी। ढकने के बाद आंच को कम कर दूंगी और दो मिनट के बाद मेरा कोफ्ता तैयार हो जाएगा। देखिए दो मिनट हो गया, मेरा कोफ्ता तैयार हो गया है। इसको मैं बाउल में निकाल लूंगी। इस प्रकार से इसको सर्व करने के लिए मैं बाउल में निकाल लूंगी। इसको मैं गार्निश कर दूंगी धनिया पत्ता से। देखिए कितना सुंदर मेरा कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है। एक बार बना कर खाइएगा जरूर, बहुत सुंदर लगेगा खाने, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा, बना है इसका। एक बार बनाइए और खाइए। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का घंटी जरूर दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।